जाएंगे और बार बार वो फ्रैग निकाल रहे हैं। सपोर्टेड विद रेबल ही इज आल्सो आउट, फ्रैग तक मार दिया इस समय एक्सप्लोरेट ने। वाओ, फिनिश पिक कर दिया वेगस, फिर से कंट्रोल एक्सप्लोरेट लेने में कामयाब हो लगा है, व्हिच इज अ गुड थिंग, व्हिच इज अ गुड कॉल फॉर देम। और ये चीज अच्छी है। 185 ये कंसोलेशन पॉइंट 190 तक ले जाएंगे आपको। कट ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स। नहीं हार्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, रेवरेंट की खिलाड़ी यहाँ पे जाना स्टार्ट जरूर बटोरी के रेवरेंट का ट्रेड मोस्ट नॉट वन मोर क्लैरेट के लिए और इक्वलाइजर फ्रॉम सैंड्स ऑफ वेगस। मैक्स का डबल पेनी देखते हैं 247 एंड 3 मोर सेकंड्स फॉर द विन व्हाइल रेवेनेंट। बट अभी तक वो प्लांट डिनाइल पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर कराए टोन डाउन करके अग्रेसिव बनने की कोशिश जरूर, अच्छा खासा डैमेज देके रखा हुआ है। एक और बार विनियर का सिनेरियो एक्सेलरेट में का थर्ड राउंड स्लाइड कनेक्ट, लेकिन घोस्ट यहाँ पर खुद शटडाउन होते हैं। एक्सटेंड कर भी केयरफुल दो कि उनका मास्टर ट्राइंग टू विन आउट दिस फाइट। मास्टर तो ये 5 लाइफ के एडवांटेज और एक बार आप देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव के ऊपर इनका प्रेजेंस है। या बट यस वाले रेबल फाइंड आउट द फ्रैग प्राइस बैट के साथ पिक जरूर ढूंढ रहे, बट अगेन मास्टर उनकी तरफ से भी फ्रैग्स आउट 26 बट यहाँ पर बट ये स्पार्डस ये परेशानी है, ये परेशानी है। It's Revenant going home. Accelerate to the semi-finals now. ये 40 पॉइंट का डिफरेंस जरूर यहाँ पे रह गया, बट नाउ रेवेल विद दैट एनाइलेटर फाइंड्स इट। हम अब ट्रेड बैकफोर मार्वल एनाइलेटर के साथ एक और पिक निकालेंगे जरूर। टेक्टोनिक फाइंड्स अनदर पिक और टेक्टोनिक पीपी इक्वलाइजर से केवल 10 पॉइंट दूर रह चुकी है और जिस तरीके से वाइटैलिटी खेल रही है इक्वलाइजर ऑन द बोर्ड। 140 पे गए थे एक्सेलरेट के प्लेयर्स, लेकिन वहीं जब कहानी रुक सी गई। बट यहाँ पर ये एडवांटेज कितनी देर तक रहेगी वो भी तो आप 1 सेकंड दूर है वाइटैलिटी को। That's not happening at all from past 2 rounds though. Convert नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बार भी 2-4 टर्न राउंड करे थे इन्होंने। ओहो एक्सटेंक्स ओके क्विक, बट सोलो की R9 ना आपको एकदम गेट अनदर सोलो मिसिंग दो शॉट्स। बट टेक्टोनिक गोस्ट टाइमिंग का खेल स्पॉट किया जाएगा प्लेयर को तो स्लाइड बैक इन। ये प्लेयर तो मार रहा है सोलो will shut him down no spot important thing this could be the most important timing spots out one takes down one and the international stage. चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम वाइटैलिटी देवी और सजरो। हमेशा की तरह टेक्टोनिक का वो ग्रेनेड सब किया जा सकता है लेकिन शायद जोर देना पड़े। लर्न फाइंड द फ्रैग नो पॉसिबल सेम एंगल वेट कर रहे हैं टीम के कॉलिंग का। और स्पॉट्स आउट टाइमिंग मिली जरूर है प्लेयर्स के ऊपर और उसको स्पॉट भी कराया जाएगा जो कोज वेरी लो ऑन एचपी गेट्स डेल्ट इट प्रीटी परफेक्टली got like on the map can this with a start or something big. Abhi solo being the main man पिछले गेम के अंदर सिर्फ एक फ्रैग को एंड उसके ऊपर थ्राइव करना पड़ेगा। सैम्स ने शट डाउन करा है। लाइव्स बिल्कुल चेंज होती हुई नजर आ सकती है लेकिन अच्छा किया क्योंकि लाइव्स के एडवांटेज तो किसी के पास नहीं है। लेकिन इज प्राइज द फ्रैग ऑन सैम्स फ्री में कामयाब ही विद द डिजाइन फाइट सोलो ब्रीथिंग के लास्ट के कुछ सेकंड दिखाएंगे और डीजे वाइटैलिटी स्पार्टस वो अर्ली पॉइंट है मुझे पुश होने वाली है। अभी भी ये एपोकलिप्स के ऊपर वाइटैलिटी की पकड़ जरूर टू गेट अ फ्रैग उस्टेंटी लगाएगी प्योर ब्रिलियंस आने में का क्रीम कमबैक टू सिक्योर द सीरीज। अभी भी वो 3 दिस इज ऑल ओवर दिस हैज टू बी ओवर। बेसिकली अभी भी मार्वल टेक्टोनिक आगे जरूर बढ़ रहे प्रिवेल फाइंड द फ्रैग पीछे से वाइटैलिटी से एग्जैक्टली प्लेयर कहां पर स्पॉट जरूर निकाल के बहुत बड़ा एडवांटेज बना दिया मार्वल डिफ्यूज। एक और बार एक 1v1 सिनेरियो रिवेंज से बेहतरीन। प्रिवेल गिरना नहीं है, प्रिवेल अगर स्पॉट होंगे प्रिवेल ऑन द क्लॉक दे वांट टू गो बैक और मिड के अंदर खिलाड़ी परेशान कर सकता है जो को भी फाइंड शॉट की पोजीशन करते हुए और प्रिवेल को सरप्राइज करा। न्यूट्रिनो इज डेल्थ विद पावल फाइंड्स अ फ्रैग लर्न इज डाउन प्रिवेल कॉम्बिनेशन क्या इस बार अपनी टीम को सिक्योर करा पाएगा। बीटेबल हैव बीन बीटन इट्स वाइटैलिटी सिक्योरिंग द ग्रैंड फिनाले विक्ट्री सिक्योरिंग द नंबर 1 टाइटल इन द कंट्री।